बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक 500 रियाल का जुर्माना मुतारफ करवा दिया गया है। हालांकि जुर्माने की लिमिट तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 500 रियाल कमाने के टाइम आपको पता ही, कमाना हो तो कैसे कमाया जाता है। मैं खुद जद्दा में दिहाड़ी करता रहा हूँ, और जब दिहाड़ी करता था उस टाइम मैंने 110 रियाल 120 रियाल शाम को दिहाड़ी मिलती थी सारा दिन काम करने के बाद। बहरहाल मैं स्टोरी आपको बैठकर किसी दिन सुनाऊंगा, अपनी आप बीती भी, और कुछ दोस्त अखबार भी साथ में हैं यहाँ पर, उनकी भी सुनाऊंगा, तो उनको भी साथ बिठाऊंगा, गपशप आपके साथ लाइव करूंगा, जो भी होता रहेगी। अच्छा, 500 रियाल का फाइन है जी। फाइन किसके मतलब कहा गया है ये भी आपके क्लियर करता हूँ। इसी से रिलेटेड आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता था, वही है जी, तकरीब जो तरीक मकरोना है सबइन एंड सित्तीन के दरमियान में। आपको पता है जी, जद्दा में जो फलस्तीन रोड से निकलती है तरीक मकरोना कहा जाता है, जद्दा की मशहूर है जी, वो वादी की तरफ जाती है, उसके ऊपर 5000 वाली मार्केट थी। वहां से मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की, और उसके बाद मैं बाहर निकला तो टैक्सी वाला मुझको बोलता है कहाँ जाना है। मैंने बोला सामने ज्वाल मार्केट, फलस्तीन जो तरीक फलस्तीन के ऊपर ज्वाल मार्केट है, मेरे हिसाब से जद्दा की क्या सऊदी अरब की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट वही है। शायद मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप भी उसका दिखा रहा हूँ, तो वहां पर जाना है तो मैं उस समय बोला 10000, मैंने बोला चलो बैठ गया 10000 देने के। वो आगे जो कुबरी आती है जी सित्तीन वाली, उसके आगे फलस्तीन वाली है, उसके आगे मोबाइल मार्केट है, और मोबाइल मार्केट के बैक साइड के ऊपर आपको पता पाकिस्तानी सफारा भी है। तो मुझको बोलता है कि यहीं पर उतर जाए यार, आगे रश बहुत होगा तो मुझको मुश्किल होगी, ये वो, मैं यहाँ इस तरफ सित्तीन की तरफ चला जाता हूँ, तेरी मेहरबानी है। तो रस्ते में मुझको जो बात वो बोली ना उसने, मुझको बोलता है कि मेरी तरफ देखे, पहले तो अरबी में बात कर रहा था, बोलता है कि भी आना से भी यमनी। मैंने आगे से बोला भी, मैंने आगे से फिर उसको ये बताया यार मैं तेन यमनी लगता, जो तो पंजाबी दस्या ना, तो फिर मुझे आगे से बोलता है अच्छा आप यार पाकिस्तानी हो, तो लग तो नहीं रहे हो पाकिस्तानी। मैंने क्या बोला, वो कैसे? बोलता तुम्हारे बाल तो यमनी जैसे हैं। तो मैंने बोला तो फिर क्या हुआ? बोलता तुम्हारी शक्ल तो सऊदी जैसी है। तो मैंने बोला फिर क्या हुआ? तो बोलता भी कद काट से वैसे तुम पंजाबी लगते हो। तो मैंने बोला चलो फिर भी किसी यार से तो पंजाबी लगता हूँ। तो उस बंदे ने मुझको वहीं पर उतार दिया, वहीं से 10 रियाल लिए और लेकर इस तरफ चला गया, मैं आगे पैदल गया। तो ये बात आपको क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई जी कि लैमोजीन में बैठे हुए अगर सफ़र कर रहे हैं जो कि ड्राइवर हजरात हैं, उनके लिए है जी खासकर अपडेट, कि आपको पता है वाइट ऊपर उनकी शर्ट होती है और नीचे ब्लैक पैंट होती है, ये ड्रेस है जी लैमोजीन ड्राइवर का, चाहे वो दूर से पहचाना जाए गाड़ी के अगर बाहर भी निकला हुआ है तो। अगर आपने व्हाइट अपनी टी शर्ट या ब्लैक पैंट नहीं पहनी हुई है, यानी कि आप अपनी वर्दी के बगैर हैं, तो आपको जहां कहीं भी मरूर सौदौर या छूते वगैरह रोक लिया तो 500 रियाल का आपके ऊपर फाइन कर दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। तो तमाम ड्राइवर हजरात जो कि खासकर बड़े शहरों में ड्राइविंग करते हैं, वो अपनी भाई वर्दी के मुतल खास नजर रखें, और तमाम वो बंदे जो साथ में उनके सफर करते हैं वो अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचकर इनको पैसे दें। पहले इनको पैसे मत दीजिएगा वरना रास्ते में उतार दें।